नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सेमारी थाना क्षेत्र के लालपुरिया मार्ग पर सुनसान खेतों में पत्थरों के नीचे लड़की का शव दबा हुआ मिलने पर सेमारी थाना अधिकारी कर्मवीर सिंह ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर आसपास के क्षेत्र में पूछताछ की, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई, जिसके बाद मृतका की पहचान पता करने के लिए सोशल मीडिया पर शव की फोटो शेयर की गई, जहां मृतका के मामा के लड़के ने मृतका की पहचान रेखा के रूप में की, जिसके बाद परिजनों को सूचना देकर शव को सेमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पोस्टमार्टम करवा शव को परिजनों को सौंपा गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। डीडवाना में दलित युवक छगनलाल मेघवाल के साथ हुई मारपीट के बाद युवक ने मौलासर थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि मैंने अपने स्टूडियो के काम के लिए एक ड्रोन महेंद्र थोरी से किराए पर लिया था। वो ड्रोन मेरे हाथों से गिर गया, जिसके बाद मैंने एक महीने के भीतर उसकी भरपाई करने का वायदा किया, लेकिन इसके बावजूद महेंद्र थोरी घटना की रात अपने अन्य 5 साथियों के साथ मेरे घर आए और मेरे साथ मारपीट कर मुझे जबरदस्ती अपने साथ कार में डालकर सूर्या होटल ले गए। वहां मेरे साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो महेंद्र थोरी ने बनाकर वायरल करने की धमकी दी। युवक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। रावतसर कस्बे में आईटी विभाग ने जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार कस्बे में 14 ई मित्रों का औचक निरीक्षण किया, जिसके दौरान 10 ई मित्रों पर अनियमितता पाए जाने पर विभागीय कार्यवाही की गई। इस दौरान रावतसर आईटी विभाग ब्लॉक प्रोग्रामर अधिकारी आशीष सिहाग, सहायक प्रोग्रामर सतीश कुमार और डिकाय ऑपरेशन ट्रेनी मौजूद रहे। श्रीमान प्रमुख शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग एवं जिला कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ के निर्देशानुसार ई मित्रों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए समस्त शहरी और ग्रामीण ई मित्रों की जाँच के लिए निर्देश प्राप्त हुए थे और उन आदेशों की पालना में हमने ग्रामीण और शहरी ई मित्रों की जाँच प्रारंभ की। कल और आज में हमने 14 ई मित्रों की जाँच की, जिसमें से एक ई मित्र अपने निर्धारित स्थान से अन्य स्थान पर कार्यकर्ता पाया गया। कोटा उप नारकोटिक्स आयुक्त विकास जोशी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दिल्ली हाईवे 48 पर एक ट्रक को रोककर उसकी चेकिंग की गई तो उसमें 3,976 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ। वही ट्रक चालक को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। धरियावाद उपखंड क्षेत्र के मुंगाणा कस्बे में 11 दिन पूर्व हुई लाखों की चोरी की घटना को लेकर पीड़ित रामचंद्र पंचाल के साथ सर्व समाज एकजुट हुआ, साथ ही जिला कलेक्टर और SP को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से 3 चोरियां हुई हैं, जिसमें एक भी चोरी का खुलासा नहीं होने पर ग्रामवासियों में भय व्याप्त है। जल्द से जल्द चोरी का खुलासा किया जाए, अन्यथा 7 दिन में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की। झुंझुनू के रेलवे स्टेशन के पास एक मकान में 2 बुजुर्ग महिलाओं को कमरे में बंद कर चोर लाखों रुपए का सामान और नकदी पार कर ले गए। जयपुर में बिल्डिंग और फाइनेंस का काम करने वाले हितेंद्र जोशी ने बताया कि उनका एक मकान पुराने सदर थाने के पास है। पिछले करीब 20-25 दिन पहले उनकी माँ और बुआ घर संभालने के हिसाब से गई थी। बीती रात अज्ञात चोर मकान के पीछे हितेंद्र जोशी के चाचा के प्लॉट के जरिए घर में घुसे और चोर करीब 1,00,000 रुपए नगद और 1,00,000 रुपए के जेवरात चुरा ले गए। घटना की सूचना मिलने पर शहर कोतवाल सुरेंद्र देगड़ा भी पहुंचे। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को रिपोर्ट दे दी। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का पिछले 16 दिनों से चला आ रहा आंदोलन कुलपति से हुई सकारात्मक वार्ता के बाद संपन्न हुआ। इस दौरान कुलपति ने धरना स्थल पहुंचकर विद्यार्थियों की मांगों का सहमति पत्र सौंपते हुए धरना समाप्त करवाया। बता दें कि सहमति में विषम सेमेस्टर की बैक परीक्षाओं में कोरोना काल परिस्थितियों में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रमोशन लागू किया जाएगा, साथ ही मेन परीक्षाओं और बैक परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों में 50% रियायत दी जाएगी। शेष मांगों पर पूर्व में ही सहमति बन चुकी थी। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय में 10 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 16 दिन से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था। पूर्व में 9 मुख्य मांगों पर चर्चा भी हुई थी, उन पर कुछ सहमति बनी थी, लेकिन मुख्य मांग थी कि जो बैक की परीक्षाएं ओड की उनको प्रमोट किया जाए और आगे जो ओड और इवन की परीक्षाएं उनके प्रश्न पत्रों में 50% की चयन के अंदर छूट मिले। इन मांगों को लेकर पूर्व में 2 बार बीकानेर जिला कलेक्टर महोदय के साथ भी चर्चा हुई,
आज कुलपति धरना स्थल पर पहुंचे। इन मांगों पर सहमति के पश्चात मैं इस पूरे आंदोलन के अंदर तकनीकी विश्वविद्यालय के एक एक विद्यार्थी का धन्यवाद देना चाहता हूं। उन तमाम लोगों के सहयोग के चलते हम इस स्थिति तक पहुंचे हैं कि ये आंदोलन निर्णायक स्थिति तक पहुंचा। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां ग्राम पंचायत मिर्जा वाली मेर में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर कपास उत्पादन तकनीक एवं गुलाबी सुंडी नियंत्रण कार्यशाला का आयोजन नुजीवीडू सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के तत्वाधान में कृषि विभाग द्वारा किया गया, जिसमें सहायक कृषि अधिकारी मीना कुमारी लखोटिया द्वारा किसानों को बीटी नरमे में गुलाबी सुंडी के प्रबंधन के लिए परामर्श दिया गया। इस अवसर पर नुजीवीडू सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रतिनिधि मानवेंद्र सिंह और हरचरण सिंह द्वारा नरमे की फसल में पोषक तत्व प्रबंध और कीट व्याधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कृषि पर्यवेक्षक महेंद्र कुमार द्वारा राज किसान ऐप के बारे में लोगों को लाभान्वित होने के लिए प्रेरित किया। मकराना नगर परिषद कार्यालय में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत द्वितीय चरण में वार्ड संख्या 1 से 4 तक शिविर का आयोजन किया गया। नगर परिषद के उपसभापति अब्दुल सलाम भाटी ने मकराना और पैराफेरी क्षेत्र के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा पट्टे में दी जा रही छूट का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाते हुए अपने मकान, दुकान और अन्य औद्योगिक संस्था का पट्टा बनना। विद्यार्थियों के अंदर छुपी प्रतिभा को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से राजधानी जयपुर के पंवालिया स्थित महाराणा आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह व उमंग 2022 वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान टॉपर्स को स्कूटी देकर सम्मानित किया गया। वहीं छात्र छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक गीत संगीत, नाटक, नृत्य और झांकियों की प्रस्तुति दी गई। समारोह का उद्घाटन पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर कैलाश वर्मा और विद्यालय संरक्षक बोधुराम मांड्या ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। विभिन्न प्रतियोगिता में सफल आए प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ इस प्रकार के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से ही बच्चों की प्रतिभा निखरती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।